Hey guys, subscribe to my channel और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion Your Chetna. In this video, मैं आप लोगों के साथ share करने जा रही हूँ मेरी favorite dream lipstick जो कि है MAC Retro Ruby Woo. उसके रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो गाइस, आप मेरे वीडियो के साथ में कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैंने यहाँ पे जो लिपस्टिक परचेस करी है रूबी वू, जो कि हर किसी की फेवरेट होती है, हर कोई इसे परचेस करना चाहता है, वो एक्चुअल में कैसी दिखती है और कितने प्राइस की मैंने परचेस करी है। सो गाइज, ये लिपस्टिक जो है वो मैं काफी टाइम से परचेस करना चाह रही थी। यू नो, इस रूबी वू के चक्कर में सब लोगों का तो मुझे पता नहीं, बट मैंने इस रूबी वू के चक्कर में कम से कम 6 to 7 लिपस्टिक जो है रेड कलर की मैंने परचेस करी है, बट फाइनली मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रूबी वो परचेस कर ली है। गाइज, यू नो, हम सोचते हैं कि यार 1500 या 990 रुपीज जो है काफी कॉस्टली है, वो भी एक रेड कलर की लिपस्टिक के लिए, तो हम उसके सिमिलर लिपस्टिक परचेस करते हैं। बट जब हम वो लिपस्टिक परचेस करते हैं तो फाइनली हमें पता चल जाता है कि ऐसा क्या है इस लिपस्टिक में जो ये इतनी महंगी है। तो चलिए गाइज, फटाफट मेरे वीडियो के साथ में देखिए कि मैंने ये लिपस्टिक परचेस करी है वो कैसी है, उसका डेमो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब मैंने नायका से रूबी वो ऑर्डर करी तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, ब्लैक पॉलीथीन के अंदर, जिसके अंदर इसका खुद का बॉक्स होता है। ये ब्लैक पॉलीथीन जब मैं रिमूव करती हूँ तो ये इस टाइप का बॉक्स मिलता है, आप देख सकते हैं, और इसको जब मैं ओपन करती हूँ इस टाइप से, तो इसके अंदर इस टाइप से ओपन होता है ये बॉक्स, और इसके साथ में एक पॉलीथीन होती है जिस पर लिखा हुआ है हे गुड लुकिंग, और नायका लग्जरी पॉलीथीन होती है और कुछ नहीं होता है इसके साथ में। और इसके साथ में मुझे मैक के जो फाउंडेशन आते हैं उसके 3 पाउच मुझे फ्री मिले हैं, जो आपको सेलेक्ट करने होते हैं, मीडियम स्किन टोन, फेयर स्किन टोन या डीप ब्लैक स्किन टोन, जो भी होता है डीप स्किन टोन। तो यहाँ पे ये पॉलीथीन, बबल पॉलीथीन हटाने के बाद में मुझे मिली है ये इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर। मैंने इसे ओपन कर लिया था ऑलरेडी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप परचेस करते हो तो कैसी दिखती है। तो इसके ऊपर ये स्टिक इस टाइप से आता है और उसके ऊपर लिखा होता है रूबी वू, और यहाँ पे ये ब्लैक कलर की पैकेट के अंदर ही आती है। यहाँ पे मैंने जो शेड परचेस किया है वो रूबी वू है, जिसके बारे में मैं कब से बात करे जा रही हूँ। और यहाँ पे जो मैंने परचेस करी वो मैंने लिटिल वाली परचेस करी है, बड़ी वाली 1500 मैंने परचेस नहीं करी है। और उसके साथ में मैं आपको बता दूंगी, यहाँ पे मुझे 3 शेड जो है सैंपल पाउच फ्री मिले हैं, ताकि मैं टेस्ट कर सकूं कि मैक फाउंडेशन कैसा आता है, जिसमें मुझे मीडियम स्किन टोन मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें मुझे मिला है NC25, NC30 एंड NC35। तो जब मैं ट्राई करूंगी तो आपको बताऊंगी कि ये कैसे दिखते हैं। अब बात करती हूँ अपनी लिपस्टिक की, तो ये ब्लैक पैकेट के अंदर आई है। इसको मैं जब ओपन करती हूँ तो ये निकलती है एक छुटको सा पैकेट टाइप, बहुत ही छोटी लिपस्टिक है। यू नो, आप देख सकते हैं शायद मेरी जो लास्ट फिंगर है उसके साइज की ये लिपस्टिक है। ये ब्लैक पैकेट, ब्लैक कवर के साथ में आती है, और इसको जब ओपन करते हैं तो इस टाइप से ये छोटी सी लिपस्टिक निकलती है, आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली कितनी छोटी है ये। इसका प्राइस मैंने पे किया है 990 रुपीस, जो कि बहुत ज़्यादा है एक लिपस्टिक के लिए, लेकिन जब मैंने इसे अप्लाई किया है गाइस, आपको ये प्राइस बहुत कम लगेगा, क्योंकि वास्तव में इसकी ऐसी क्वालिटी है, इसलिए इसका प्राइस शायद इतना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इसका बिगर साइज है गाइस, वो आता है 1500 के अंदर, जिसमें आपको 3 ग्राम प्रोडक्ट का जो लिटिल साइज है मैक का रूबी वो का, वो पड़ा है मुझे 990 रुपीज में, जिसमें मेरे को मिला है 1.8 ग्राम प्रोडक्ट। और ये जो लिपस्टिक है वो पाउडरी मैट फिनिश देती है, और हर कोई इस लिपस्टिक को परचेस करना चाहता है, हर बहुत ही फेमस लिपस्टिक है ये, और आप जब लिटरली परचेस करोगे तो आप इतनी इम्प्रेस हो जाओगे इस लिपस्टिक से। आप सोचते होंगे कि रेड कलर की काफ़ी सारी लिपस्टिक है, बट जो रूबी वो में बात है गाइस, सीरियसली मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ,
जो रूबी वो के अंदर बात है वो और किसी रेड लिपस्टिक के अंदर नहीं है। मैंने भी 7 to 8 लिपस्टिक ट्राई करी है, आप लोग भी ये ट्राई कर लेना। तो मैं आप लोगों के साथ में इसका एक डेमो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका एक्चुअल शेड कैसा दिखता है और ये किस टाइप की मैट फिनिश देती है। तो अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस लिपस्टिक का डेमो। डेमो बताने से पहले मैंने अपने लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है लिप बम अप्लाई करके, क्योंकि ये पाउडर मैट है तो आपको मॉइस्चराइज कर लेना है लिप्स को, तो ये लिपस्टिक जो है बहुत अच्छी रहेगी, लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो मैंने अभी मॉइस्चराइज करने के बाद अब मैं अप्लाई करूँगी अपने लिप्स पर ये लिपस्टिक। इतना स्मूथली इसका टेक्सचर है, ओह माय गॉड, इतनी लाइट वेट है। इसको प्रेस करने पर भी मुझे लगता है कि 7 to 8 आर कहीं नहीं जाने वाली है। तो देखिए मैंने अपने लिप्स पर ये लिपस्टिक अच्छे से अप्लाई कर ली है, आप देख सकते हैं। मुझे ये लिपस्टिक अपने लिप्स पर अप्लाई करने के बाद जो फील हो रहा है बहुत लाइट वेट फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने कोई लिपस्टिक अप्लाई कर रखी है, एकदम नॉर्मल लिप्स लग रहे हैं। और शेड तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपको बुलेट में थोड़ा डार्क दिख रहा होगा लेकिन ये लिप्स पर थोड़ा लाइट है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका जो टेक्स्चर है वो बहुत अच्छा है, पाउडर मैट है, और इसका जो लुकिंग है वो एकदम ब्लड रेड नहीं बोल सकते लेकिन हॉट टाइप का टच है रेड का, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आप किसी भी वेडिंग सीजन में या फेस्टिवल सीजन में लिपस्टिक अप्लाई करोगी तो बहुत अच्छी लगेगी, आपको दिख रहा होगा इसका टेक्सचर और इसका कलर। यहाँ पे मैंने इसका एक ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट भी किया है जिसमें ये बहुत लाइट ट्रांसफर होती है, उसके बाद में 7 to 8 आ रही है, कहीं पे भी नहीं जाएगी, एकदम मैट लुक की तरह। आपको कैमरे में ये जो शेड है वो हल्का सा डार्क रेड दिख रहा होगा, बट यू नो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जितना ये आपको डार्क दिख रहा होगा उससे आप थोड़ा लाइट ही समझ लीजिए। ये बहुत अच्छा शेड है, आपको जरूर परचेस करना चाहिए। सो गाइज, आप लोगों ने मेरा डेमो देखा, मेरा वीडियो देखा, तो आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि अगर आपको एक बहुत अच्छी रेड लिपस्टिक चाहिए, हॉट रेड लिपस्टिक, या आपको बहुत ही अच्छी मैट फिनिश की रेड लिपस्टिक चाहिए, तो आप लोग मेरी तरह गलती मत करना कि 600 या 500 या 400 की अलग अलग तरह की रेड लिपस्टिक इकट्ठी कर लो और बाद में मन मचलता रहे कि मैक रूबी वो, तो आप लोग मेरी तरह गलती मत करना। आप मेक श्योर आप मैक की रूबी वो ही परचेस करना, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू गाइज, बाय बाय।